अनम मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 2 सालों से कैट्स को रेस्क्यू कर रही हैं। मुझे तकरीबन ये काम करते हुए 6 से 7 साल हो गए हैं। 2-3 कैट्स मेरे गेट पे आके बैठती थी, मुझे लगता था कि मैं खाना खा रही हूँ तो भूखी होंगी, तो मैंने उनको बोटी डालना स्टार्ट की। यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज आपने कैट्स को दी हुई? हमारे पास जो है वो 24/7 बेड होते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपनी मर्जी से यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। मेडिकल रूम अलग है जहाँ पर हमारे पेशेंट्स होते हैं। आपने किस किस तरह के केसेस अपने पास आते हुए देखे हैं? हमारे पास एक बिल्ली आई थी, उसको जो है वो उन्होंने 2 महीने से चेन से बांधा हुआ था। उसकी चेन जो है ना वो गर्दन के अंदर धंस गई थी। पर्शियन कैट था लेकिन उसको बिल्कुल आप उसको देखकर पहचान नहीं सकते थे कि वो पर्शियन कैट है। नजीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने एक ऐसी अनोखी मिसाल कायम कर दी है इंसानियत की कि जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको भी उन पर और उनके बच्चों पर प्यार आ जाएगा। इस वक्त अनम मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 2 सालों से कैट्स को रेस्क्यू कर रही हैं, और ये काम किस तरह से कर रही हैं, किस तरह से उन्होंने इस काम का फैसला किया और क्यों फैसले किया, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि आपने ये देखा है कि हमारे माशरे में जो है वो जो जानवर हैं बेज़बान जानवर, उनके लिए हमदर्दी और प्यार जो है वो नहीं रखा जाता। लोग उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको एक खिलौना समझकर पालते हैं, खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये भी जानदार हैं और ये भी इनको भी तकलीफ़ होती है, इनको भी इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो आइए बात करते हैं और उनसे और जानते हैं कि इन्होंने ये काम किस तरह शुरू किया और कितनी कैट्स को ये अब तक रेस्क्यू कर चुकी हैं। इन्होंने पूरा एक शेल्टर होम बनाया हुआ है जहाँ पे ये कैट्स को रेस्क्यू करती हैं, कैट्स को रखती हैं, उनकी देखभाल, उनका इलाज, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन कैट्स को देती हैं। अनम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 2 साल तकरीबन ये काम करते हुए आपको हो गए, ये फैसला क्यों किया आपने? ऐसा क्या चीज़ आपने जो है वो माशरे में नोटिस करी या क्या ऐसी आपने आपकी ऑब्जर्वेशन थी जिसके बाद आपने फैसला किया कि मैं कैट्स को जो है वो रेस्क्यू करूँगी और उनको अपने पास रखूँगी? ये 2 साल तो हम लोगों को ये शेल्टर होम बनाए हुए हुआ है, लेकिन हम जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर, हम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे तकरीबन ये काम करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। पहले मैं जहाँ रहती थी तो मेरे घर में ही जो है वो एक रूम था जिसकी खिड़की बाहर खुलती थी, तो मेरे पास कैट्स जो हैं वो पहले आती थी। बस मैंने किस तरह से शुरू किया, इस तरह से कि मेरे पास 2-3 कैट्स मेरे गेट पे आके बैठती थी, मुझे लगता था कि मैं खाना खा रही हूँ तो भूखी होंगी, तो मैंने उनको बोटी डालना स्टार्ट की। बस फिर उस तरीके से जो है मैंने उनको खाना खिलाना शुरू किया, फिर वो मेरे घर में मैंने एक रूम उनको बिल्कुल एलोकेट कर दिया, फिर वो वहाँ आते थे, खाना खाते थे। वो एक समझें कि एक कमरे का मेरा छोटा सा शेल्टर होम था। वहाँ पर मेरे पास तकरीबन एट ए टाइम 25 से 30 बिल्लियाँ हो गई थी इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स यू कैन से। और फिर जो है वो मुझे मेरे ये दोस्त मिले, मायदा मिली और अहमद मिले, उनैन मिले, फिर हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम जो कैट्स को रेस्क्यू करते हैं उनकी ट्रीटमेंट हो और उनको हम देखभाल कर सकें, क्योंकि हर घर पे इतनी कैट्स रखना इम्पॉसिबल भी नहीं था। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हो रही थी तो मुझे भी ये टेंशन थी कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो फिर हम लोगों ने मिलकर जो है ये शेल्टर होम तश्कील दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक करवाते हैं जो भी करवाते हैं, और हम लोगों ने बस एक अपना अहद किया था और अल्लाह पाक ने हमारी मदद की हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अच्छा अनम, ये बताइएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप खुद जो है वो क्या करती हैं, आपकी खुद की जो है वो क्या मसरूफियात होती हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इनको टाइम देना, किस तरह से आप मैनेज करती हैं? सबसे पहले बताएं कि आप करती खुद क्या हैं। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर एंड एन एमबीए, बट आई एम अ टीचर एज वेल सिंस यूमे से लास्ट 10 ईयर्स। तो ये है कि टीचिंग के साथ साथ जब ये मेरे पास ये काम मतलब ये शुरू किया है तो खुद ही जो है वो अल्लाह पाक जो है वो भेजते गए बच्चों को और हम लोगों ने इनको रेस्क्यू किया है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए टाइम निकालना, मुझे क्योंकि मैं सुबह पढ़ाती हूँ स्कूल में और फिर उसके बाद शाम में मेरे पास ट्यूशन्स होते हैं, तो उसके साथ इस सब को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये है कि हम लोग वीकेंड टू वीकेंड शेल्टर को वैसे हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, ऑनलाइन हम मॉनिटर करते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम वीक में देखते रहते हैं, लेकिन वीकेंड जो होता है वो फिर हम अपने यहाँ पर आके शेल्टर में बच्चों के साथ गुजारते हैं।
अच्छा अना, मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि इन बेज़बान जानवरों को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और वो नहीं समझते कि इनको भी तकलीफ़ होती है या इनके भी सेंसेस होते हैं, ये भी हर चीज़ को महसूस करती हैं, फील करती हैं, इवन के जो बिहेवियर्स होते हैं इंसानों के, ये वो भी फील करती हैं। तो लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, माशरे में अवेयरनेस नहीं है। आप जैसे बात है, एक टीचर भी हैं और साथ में आप इतना ज़्यादा इस बारे में जो है वो नॉलेज भी रखती हैं, आपने उनके इतना बड़ा कदम उठाया, तो आप इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगी कि लोग भी इस वक्त आपकी बात सुनेंगे कि इस तरह के माशरे में जो आपने अब तक इंसिडेंट देखे हैं उसके हवाले से और लोगों में अवेयरनेस के बारे से आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, हमारा लॉन्ग टर्म गोल में हमारे जो मतलब हमने अपना विजन और मिशन बनाया हुआ है, उसमें एक ये पॉइंट एडेड है कि हम लोगों ने जो है ना वो लोगों के अवेयरनेस फैलानी है, और अवेयरनेस के लिए हम साथ साथ काम करते हैं। हम लोग जो है वो स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर उनको डेमोंस्ट्रेशन देते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर हम उनको डेमोंस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन देते हैं इसी हवाले से, अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से। बाकी मैं जहाँ जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ या जहाँ से भी हमें जो है वो रिक्वेस्ट आती है, तो हमारे पास यहाँ बच्चे आते हैं एज ए वॉलंटियर, और हम उनको लेकर आते हैं यहाँ पर, और बहुत शौक से बच्चे आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पर आके बहुत खुश होते हैं। तो एक ये चीज़ है, उनमें एम्पैथी और उनके अंदर ये जज्बा जगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डोर्स ओपन हैं और वो आते हैं हमारे पास यहाँ पर जो ना वो बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा, किस तरह की कैट्स आपने अब तक रेस्क्यू करी हैं और यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपने कैट्स को दी हुई हैं? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 24/7 वेट होते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि अगर रात को 2 बजे भी कोई केस आता है तो हमारे वेट जो हैं, हालांकि उनकी टाइमिंग्स शाम को 6 बजे तक की होते हैं, लेकिन हमारे वेट इतने अच्छे हैं, वो यहीं पे रहते हैं हमारे पास, तो वो रात को 2 बजे भी कोई अगर बच्चा आता है तो उसको देखते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हर तरीके की आप जब हमारे शेल्टर अभी आप विज़िट करें तो आपको नज़र आएगा कि हमने इनको हर तरीके से जो है ना वो कम्फर्ट देने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। नंबर ऑफ़ फैंस और मतलब कि हर तरीके से हमने ये ओपन एरिया बनाया हुआ है, कि हम खिलाफ़ हैं कि बच्चों को सिर्फ पिंजरे में बंद करके रखा जाए। हम वहाँ से रेस्क्यू करके ला रहे हैं बच्चे, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, बहुत मज़े में हैं, ओपन एरिया है, हवा आ रही है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ इनके पास है। इसके अलावा हमारे पास नीचे जो है वो मेडिकल रूम अलग है जहाँ पर हमारे पेशेंट्स होते हैं, और इसके अलावा हमारा वायरल रूम अलग है जहाँ पर जो है वो जो वायरल वाले बच्चे आते हैं उनका हमने एरिया ही बिल्कुल अलग किया हुआ है, क्योंकि वायरस अगर आउटब्रेक हो जाना हमारे शेल्टर में फिर सब बच्चों को लग जाता है, तो हमने उनका एरिया, हमने कमरा ही उनका अलग बनाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास सर्जरी रूम है, तो और हमारा मेडिकल रूम है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों ने इन बच्चों को प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपके साथ कितने लोग और हैं जो इस काम में आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? हम लोग बेसिकली 4 दोस्त हैं जो कि हम अपनी सैलरी से एक चंक जो है वो यहाँ पर देते हैं हर महीने, और इसके अलावा जो है वो हमारी पॉज रेस्क्यू की फैमिली है, ऑनलाइन फैमिली है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम को देखते हैं और हम पे भरोसा करते हैं और हमारा साथ देते हैं इस मिशन के अंदर। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने किस किस तरह के केसेस अपने पास आते हुए देखे हैं कैट्स के हवाले से, जो जिनको इंसानों ने ही उस हाल तक पहुंचाया होता है? मतलब इतने कभी कभी दिल दहला देने वाले हमारे पास केसेस आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कोई इंसान इस किस्म का काम भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक बिल्ली आई थी, उसको जो है वो उन्होंने 2 महीने से चेन से बांधा हुआ था, और उसकी चेन जो है ना वो गर्दन के अंदर धंस गई थी, और वो पर्शियन कैट था, लेकिन उसको बिल्कुल वो आप उसको देखकर पहचान नहीं सकते थे कि वो पर्शियन कैट है, ना उसे खाना देते थे ना उसे। और फिर हमारे पास डिमांड क्या आती है, फ़ोन आता है, पिक्चर्स हमारे पास आती हैं, और हमसे कहा जाता है कि इस कैट को आप ले जाएं वरना हम इसको बाहर फेंक देंगे। तो इस तरीके की हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं, मतलब स्टोन से पेल्ट किया हुआ है, बुरी तरीके से कान काटा हुआ है किसी बच्चे का, मैगट्स हुए हुए उसको, और वो उनका, मुझे ये समझ नहीं आता, उनका पेट होता है जिसको वो इस तरीके से अबैंडन कर देते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हमारा ये बच्चा है, हम यहाँ पर जो ये सब हमारे बच्चों की तरह से हैं, हम ये सोच ही नहीं सकते कि ना हम अपने किसी बच्चे को इस तरीके से जो है वो छोड़ दें। लेकिन लोगों के अंदर बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है, वो सिर्फ इसको टॉय समझते हैं, बाहर से जाके 6,000-6,000 रुपये के, 8,000-8,000 रुपये के पर्शियन कैट्स वो ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन फिर जब उनको कोई बीमारी लगती है तो वो इस तरीके से उनको सड़क पे छोड़ देते हैं या हमें कॉल करते हैं कि भाई इसको ले जाएं वरना हम इसको फेंक देंगे।
अच्छा, आपने बकायदा बड़े ही अहतमाम से यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया हुआ है कैट्स का, यहाँ पे उनकी खेलने के लिए आपने जो है पूरा एक तरह से उनको टॉयज दिए हुए हैं और सेटअप ऐसे लगाए हुए हैं कि कैट्स को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, अंदर जाना बाहर निकलना इस तरह की चीज़ें। और दूसरा जो है वो आपने अंदर रूम कूलर्स तक लगाए हुए हैं, तो इतने ऊपर जाके लेवल पे आपने इनको सुकून यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या बोलना चाहेंगी उन लोगों को जो इनको जानदारी नहीं समझते? मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दें और हम सबको हिदायत दें और हम सबके दिलों में इतनी नरमी तो पैदा करें कि वो एक जानवर को एटलीस्ट जानदार समझें, उसको ये समझें कि इसको भी तकलीफ़ होती है, इनके भी इमोशंस होते हैं। अभी आपको शायद अहमद ने बताया भी होगा कि हमारे पास एक बच्चा आया था, उसको उसके जो पेरेंट्स थे वो छोड़ के यहाँ पे चले गए थे, जो पेट पेरेंट्स थे उसके, और वो 3 दिन के अंदर डिप्रेशन की वजह से वो मर गया। तो लोगों के अंदर बस ये एहसास ही पैदा हो जाए ना कि एटलीस्ट अगर आप रख नहीं सकते ना, हम ये नहीं कहते कि भाई आप इसको रखो ही रखो, आप नहीं रख सकते, आप उन्हें मारो भी नहीं, आप एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर में से जो आपको खाना निकलता है, जो ज़ाया होता है, वही आप सिर्फ बाहर डाल दें, तो आपके आप देखेंगे कि ना किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आती है। और स्पेशली नॉट फॉर ओनली फॉर कैट्स बट डॉग्स एज वेल, कुत्तों का तो इतना अच्छा हिसाब किताब होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना वो समझा जाता है कि कुत्ते जो है ना वो काटते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कुत्ते कभी भी नहीं काटेंगे उस जगह पे जहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाए। जहाँ उनको तंग किया जाता है या उनके बच्चों को मारा जाता है, बस वो वहाँ पे सिर्फ अग्रेसिव होते हैं, सिर्फ वो डर की वजह से कि हमें मारा जाएगा। वरना कहा जाता है कि भाई डॉग इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, सो वो इसीलिए कहा जाता है कि वाकई में होते हैं बहुत, और बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बहुत उनके साथ नाइंसाफी होती है। जो काम नाजिन अनम कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं। जहाँ माशरे में हम ये देखते हैं कि इंसान इंसान की मदद नहीं कर रहा, लेकिन अनम यहाँ पे इन बेजबान जानवरों की मदद कर रही हैं, इनको तमाम आशाइशों से जो है वो नवाज रही हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अनम के साथ जितने भी लोग पेट लवर्स हैं और जो बेजबान जानवरों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं, तो वो अनम का साथ दें, क्योंकि ये जो काम है ना, इससे आपकी आखिरत में आपको वो इनाम मिलने वाला है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये वो काम है जो आप एक बेजबान जानवर के लिए कर रहे हैं। अगर उसकी जान बचा रहे हैं या उसको 2 वक्त का उसको खाना अगर खिला रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम नेकियों पर भारी है और इससे आपकी दुनिया और आखिरत तो सवर ही जाएगी। इसलिए अनम का साथ दें।